द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्क्यूलर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझना आप लोग बच्चों, क्योंकि यहीं से मेन पॉइंट स्टार्ट होते हैं। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th। वैसे तो मोस्ट जो पॉइंट्स रहते हैं वो क्लास 10th वालों के लिए भी सेम ही रहते हैं। अब देखो, स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अब देखो, इसमें सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम कौन दे सकते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। द स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल रिपीट, जो उनको एसेंशियल रिपीट का बोला गया है, उनको सारे सब्जेक्ट्स, 5 या 6 सब्जेक्ट में वो एग्जाम दे सकते हैं जो 2023 में जिनको एसेंशियल रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज फेल या एसेंशियल रिपीट इन ईयर्स 2018, 19, 20, 21, 22। 2018, 19, 20, 21, 22 वाले बच्चे जिनको एसेंशियल रिपीट या फेल की कैटेगरी में डाला गया था, वो भी 5 या 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैड कंप्लीटेड अ रेगुलर कोर्स और स्टडीज एंड हैड बीन अलॉटेड रोल नंबर फॉर अपीयरिंग एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बट कुड नॉट अपीयर फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन ड्यू टू मेडिकल रीजंस एक्सेप्ट शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 वाली एग्जाम में अगर आपने फॉर्म फिल किया था, आपको रोल नंबर भी मिल गया था, आप एग्जाम में बैठना जा रहे ही वाले थे, लेकिन किसी मेडिकल रीजन से आप एग्जाम नहीं दे पाए। अब मेडिकल रीजन में उन्होंने क्लियर बोला है कि शॉर्ट अटेंडेंस वाला एग्जाम जो रीजन है वो नहीं चलेगा, पर अगर कोई मेडिकल रीजन थे जिसके अंदर आपने एग्जाम नहीं दी है तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो 5 या 6 सब्जेक्ट में। स्टूडेंट हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट मे opt for appearing 5 or 6 subject in which he she had been appeared in the board examination 2023. Such candidate should select his her category as essential repeat while applying online. अब ऐसे students जिनको compartment आई थी एक subject में, वो भी 5 या 6 subject में exam दे सकते हैं और उनको अपनी category क्या select करनी पड़ेगी, essential repeat वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कौन सी कैटेगरी में आएंगे वो लोग, एसेंशियल रिपीट। ये वाला पॉइंट आप फिर से सुनो ध्यान से, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट मे ऑप्ट फॉर अपीयरिंग इन 5 or 6 सब्जेक्ट्स इन विच ही शी अपीयर्ड इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023। सच कैंडिडेट शुड सिलेक्ट हिज और हर कैटेगरी एज एसेंशियल रिपीट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। मतलब अगर आपको कंपार्टमेंट है और आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स में, और आपको अपना जो कैटेगरी है वो एसेंशियल रिपीट वाला कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। अगला है फीमेल स्टूडेंट्स वुमेन कैंडिडेट हु बोनाफाइड, वही बोनाफाइड रेसिडेंस वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताया है। ये वाले कैंडिडेट और CEWSN वाले जो कैंडिडेट है स्पेशल नीड्स वाले, अगर वो डिटेल्स में फिल जानना चाहते हैं इस सर्कुलर के बारे में तो आप बताइएगा, मैं कमेंट करके मुझे बताना तो मैं आपको पूरी डिटेल में किसका वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। तो ये कैटेगरी थी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट से जो 5 या 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते थे। अब अगली जो कैटेगरी है वो है कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी, जो भी बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए। स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन बोर्ड्स मेन एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023। देखो, कंपार्टमेंट की जो कैटेगरी है वो दो जगह से आएगी। एक तो आपको 2023 की मेन एग्जाम में कंपार्टमेंट रिजल्ट आया होगा वो स्टूडेंट्स भी, और दूसरा कंपार्टमेंट आने के बाद में फिर से जब दूसरी उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जाम दी फिर से उनको कंपार्टमेंट आ गया, तो वो वाले बच्चे भी कैन अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट इन विच ही शी हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। सच स्टूडेंट्स शुड सिलेक्ट हिजर कैटेगरी एज कंपार्टमेंट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। अब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कंपार्टमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करोगे आप लोग। और ये कौन से बच्चे होंगे, ये वाले जिनको मेन एग्जाम में भी सप्लीमेंट्री आई थी और फिर से उन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दी और फिर से उनको कंपार्टमेंट आ चुकी है सेकेंड टाइम में भी। अब है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये है हमारे काम की चीज, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओनली सच स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड इन 2023 कैन अप्लाई फॉर इंप्रूविंग हिज और परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड ही शी शुड हैव अपीयर्ड इन सेम सब्जेक्ट्स इन एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2023। However, a student who have passed in examination of board under the vocational scheme may reappear for improvement of performance in the main examination in succeeding year or the following year, provided that have not pursued higher studies in the meantime.
अब आप एग्जाम तभी दे सकते हो इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट ईयर अगर आपने हायर स्टडीज ऑप्ट नहीं किया है। अगर आप हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं, कोई भी हायर स्टडीज आप ट्वेल्थ के बाद में अप्लाई कर चुके हैं, उसमें बैठ रहे हैं, एग्जाम कॉलेज जाना चालू कर दिया आपने, तो आपको ये एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं है ये एग्जाम देने के लिए। तो आप इसमें एक या एक से ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, तो एडिशनल सब्जेक्ट वाला ध्यान से सुनना बच्चों की, एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पांच सब्जेक्ट ऑलरेडी थे, सपोज करो कि उस पांच सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं था, लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पे मैथ्स कंपलसरी है, तो आप मैथ्स में भी एग्जाम दे सकते हैं। ये आपके लिए सिक्स सब्जेक्ट माना जाएगा और इसको एडिशनल सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसी को बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं 2024 में, ठीक है। नोट वन, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, और अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नोट टू, ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास कैन अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एडिशनल सब्जेक्ट एज पर द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशंस। अब जो बच्चे किसमें है, या तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, वो तभी एग्जाम दे सकते हैं जब वो पास की कैटेगरी में हो, मतलब उनका जो रिजल्ट है वो पास वाला आया हो, तभी वो ये एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वन एप्लीकेशन फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ सबमिशन, मतलब ये वन एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है तो आप दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करोगे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेबस, करिकुलम में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या डिलीट हुआ है, या क्या जो नया सिलेबस है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर हैं वो किस टाइप से आएंगे वो भी सीबीएसई ने वहां पे डाल दिया है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। सब्जेक्ट्स विच हैव लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व, अब ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर लेबोरेटरी वर्क है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, और क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क होगा तो आपका जो पुराने मार्क्स है वही आपके लिए इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब वही मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको अलग से प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। चूजिंग सब्जेक्ट, एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स दैट आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। अब जो सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो वो कहाँ पे आपको पता चलेगा, तो इस सर्कुलर के एंड में तो मिलेगा ही, प्लस आप जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहां पे जो मेनू रहेगा उसके अंदर आपको आपके सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट उस मेनू में नहीं है इसका मतलब आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। केयर वाइल इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट कोड अगेंस्ट द लैंग्वेजेस, अब बच्चों कई बार ये भी गलती होती है क्योंकि सब्जेक्ट कोड जो होता है वो बहुत अलग अलग होता है, जैसे हिंदी स्पेशल, हिंदी सामान्य, इंग्लिश, इंग्लिश में भी दो कैटेगरी होती है, तो जब भी आप ऐसी कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करने जा रहे हो तो उसमें कोड का जरूर ध्यान रखना कि आपकी जो एग्जाम हुई थी वो किस कोड के अकॉर्डिंग हुई थी और अब कौन सी कोड आपको फिल करना है। न्यू रोल नंबर आपको अलॉट होगा, ठीक है, अब नया रोल नंबर अलॉट होगा, पुराना वाला रोल नंबर आपको नहीं लेके जाना है, उसका कोई यूज नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेगा वो आप खुद से सिलेक्ट करोगे, अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लिया है और अब आप चेंज करना चाहते हो एग्जामिनेशन सेंटर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो एक बार जब आप एग्जामिनेशन सेंटर फिल करें तो बहुत ध्यान से फिल करें अकॉर्डिंगली कि आप कहां पे एग्जाम दे सकते हो, कंफर्टेबल कहां पे हो एग्जाम देने के लिए। करेक्ट पोस्टल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो आप करेक्ट डालेंगे, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो आप ध्यान से फिल करोगे, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है वो आपके सीधे पोस्ट होके घर पे ही आएगी, कोई सीबीएसई आपके स्कूल में नहीं भेजेगी और आपको कहीं इसको अलग से लेने जाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगी, ये आपके घर पे आ जाएगी मार्कशीट, तो आपको पोस्टल एड्रेस सही डालना है। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट शुड बी मेड फ्रॉम आइदर योर ओन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड और एनी ऑफ योर पेरेंट्स सिबलिंग्स अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट कार्ड, सो दैट इन इवेंट ऑफ रिफंड द सेम रीचेस टू यू एंड नो वन एल्स। बच्चों जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो आप अपने अकाउंट से ही फॉर्म फिल करना, अगर किसी केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है और आपकी फॉर्म की फीस को रिफंड करने की बात आती है तो सीबीएसई आपके अकाउंट में रिफंड करेगा, तो हो अगर आपका फॉर्म फिल नहीं भी हुआ है तो कम से कम फीस आपके अकाउंट में ही आ जाएगी, अगर आपने किसी और से फॉर्म फिल करवाया है तो आपको उससे पैसे वापस मिले या नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं रहेगी। साइज ऑफ जेपीजे फाइल्स ऑफ फोटोज एंड सिग्नेचर, अब बच्चों जो
जब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपका फोटो का साइज और सिग्नेचर जो है वो 40 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 40 KB तक का आपका फोटो और जो ये है सिग्नेचर है ये आप अपलोड कर सकते हो। कैसे करना है आप ये मुझे कमेंट में बताओ तो मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल दे दूंगा कि कैसे आप इसको 40 KB में कर सकते हो फोटो को और आपके सिग्नेचर को। इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अब ये सुनो बच्चों ये काम की चीज हो सकती है आपके लिए। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन आर नॉट टू बी सरेंडर टू द CBSE। तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिल चुकी है फिर पुराने ईयर में, मतलब जो 2023 के आपने एग्जाम दिए या उसके पहले के एग्जाम दिए, वो आपको सीबीएसई को वापस करने की जरूरत नहीं है। द मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट ऑफ 2024 एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स हु विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन 2024। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में एग्जाम दी है या देंगे, मतलब 2024 के एग्जाम देंगे, उनको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलॉट होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में। और ये मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है ये आपके घर पे ही आएगा पोस्टल एड्रेस पे। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स विल बी इश्यूड अ सेपरेट फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन द सेड एग्जामिनेशन। अब जो एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ एक नई मार्कशीट आएगी और उसके अंदर सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे रहेंगे जिनमें उसने एडिशनल सब्जेक्ट में एग्जाम दी है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड ओनली टू सच कैंडिडेट्स हु विल अपियर फॉर सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एंड विल पास इन द सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन 2024। अब जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हीं को कंपार्टमेंट एग्जाम वाली मार्कशीट मिलेगी, मतलब कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप पास हो चुके हो। अगर आप पास हो जाते हो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, उनकी बात हो रही है ये, ठीक है। द कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल कंटेन मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट पास इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मेन सप्लीमेंट्री एग्जाम एज वेल एज द मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट अपीयर्ड फॉर द सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अब ये मार्कशीट कैसी रहेगी, कई बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि मार्कशीट कैसी रहेगी हमारी। तो अगर आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हो तो आपकी जो नई मार्कशीट आएगी उसमें आपके पुराने मार्क्स जो आपने ऑलरेडी लाए थे अपनी मेन एग्जामिनेशन में वो रहेंगे, और कंपार्टमेंट में जो आप मार्क्स लेके आए हो कंपार्टमेंट जब पास हो गए तो जो मार्क्स आप लेके आए हो वो मार्क्स आपको उस मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। द बोर्ड इश्यूज अ मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। No aggregate score percentage is mentioned by the board. For candidates who take 6 subjects and pass all 6 subjects, the percentage is to be calculated according to the norms of college institution in which the candidate is seeking admission. अब ऐसे आप जो बोर्ड की मार्कशीट होती है उसके अंदर जैसा कि आप जानते हो आपको मार्कशीट में कोई परसेंटेज या एग्रीगेट नहीं दिखाई देखने को मिलते हैं, और अगर कोई 6 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो जब टॉप 5 का टॉप 3 का कैलकुलेशन करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द जो आपका इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब आगे है एडमिट कार्ड्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई की वेबसाइट है उस पर आपका एडमिट कार्ड सीबीएसई अलॉट कर देगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपके पोस्टल एड्रेस पे आएगा बाय स्पीड पोस्ट, तो आप अपना एड्रेस ठीक से डालें। फॉर कैंडिडेट हु विल बी अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन फ्रॉम सेंटर्स इन दिल्ली, तो एडमिट कार्ड वही आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो मार्कशीट है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय द रीजनल ऑफिस दिल्ली टू एग्जामिनेशन सेंटर वेयर द कैंडिडेट हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट कैन कलेक्ट द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम the examination center of production of original admit card. The examination center will retain the original document for the 1 year from the month of declaration of the result and thereafter left out document will be returned to the regional office. मतलब जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे वहीं पे आपको आपकी मार्कशीट भी मिल जाएगी, ठीक है। ये दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके लिए है, जो दिल्ली के सेंटर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। अब कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन, अब ये कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एसेंशियल रिपीट वाले फॉर दोज अपीयरिंग अंडर द फ्रेश फीमेल फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, फॉर दोज अपीयरिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले फेल, एसेंशियल रिपीट, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या बोला है इसने,
Details of candidate's name, father's guardian name, mother's name, etc. will be auto-generated in the online system in respect of those who appeared in the board's examination held in 2023, the student of 2022 examination or before will need to fill in the detail in the application online application form. Fill in correct combination of your roll number, school number and center number as given in your mark sheet of board examination wherever applicable. अब इसमें जो रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर है, ये तीनों आपकी मार्कशीट में जो आए थे, लास्ट वाली जो मार्कशीट आपने ली थी उसमें जो आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है. इन केस रॉन्ग डिटेल्स आर फिल्ड द एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड. अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा और एरर मैसेज आपको दिखाई देगा, तो आप फिर चेंज करके भी फिल कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ है तो. The practical, internal assessment, project, etc. marks scored by the student will be carried forward to or pro rata marks will be given or practical examination will be conducted again as per the applicable provision by laws. वैसे तो आपके practical exam होती नहीं है, तो इसलिए जो marks आपने already obtained किए in main examination उसी के marks आपके जो होंगे वो इस नई marksheet में carry forward हो जाएंगे. और जो भी laws हैं, जैसे कई female students हैं उनको ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, तो उनको प्रैक्टिकल के लिए बोला जाएगा और कैसे बोला जाएगा, कहां बोला जाएगा, वो सब डिटेल्स सीबीएसई उनको प्रोवाइड कर देगा. अब हम बात करते हैं कि आपको ये, तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि आप जब स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे फोटोग्राफ तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो कंप्लीटली हम बना के देने की कोशिश करेंगे. ये आपको मैं बता ही चुका हूँ आपका जो फीस का स्ट्रक्चर है, कब आपको कैसे फीस पे करनी है. 1500 रुपए फॉर 5 सब्जेक्ट, 300 रुपए पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अगर आप देना चाहते हैं तो. कंपार्टमेंट वालों के लिए एक सब्जेक्ट के 300 रुपए लगेंगे और प्रैक्टिकल फीस अगर कोई है आपकी प्रैक्टिकल तो उसके 150 रुपए लगेंगे. ठीक है, आपका जो डेट्स हैं वो 12 तारीख से लेकर 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस. लेट फीस का भी प्रोविजन है, वो आप फॉर्म फिल करोगे 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक अक्टूबर में. फी पेमेंट कैसे करना है यहाँ पे बताया हुआ, तो फी पेमेंट के मोड्स हैं यहाँ पे आप बता, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. और ये है आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दे सकते हो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, एज एसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स, एज इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स. यहाँ पे कंप्लीटली सब चीजें डिटेल्स में लिखी हुई है. तो आई होप बच्चों इस सर्कुलर का अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो फाइनली बच्चों ये सर्कुलर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें, और अगर नहीं तो आप अपना फॉर्म फिल करने जा सकते हैं. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बच्चों. दिस इज इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.